हाय गाइस, सो वेलकम आवर न्यू व्लॉगर। आज के व्लॉग में हम आपको मेरे गांव का घर, घर के आसपास का गार्डन, सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं। वैसे गांव मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको अगर अच्छा लगता हो तो कमेंट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो दिखाता हूं मैं आपको अपना घर और मेरे बगीचे में क्या क्या फूल आए हैं, क्या क्या फ्रूट्स आए हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछला वीडियो मैंने दिखाया था ट्रैवलिंग का, आई होप आपने देख लिया होगा। नहीं देख लिया होगा तो आप जाके देख सकते हो, और आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैंने देख लिया आपने मेरे 10,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर दिए है। सो थैंक यू सो मच, सपोर्ट ऐसा ही बना के रखना, आगे भी हम बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए लाएंगे। और प्लीज आप बस अभी मुझे 1,00,000 तक लेके जाना, क्योंकि 1,00,000 तक पहुंचते ही मुझे यूट्यूब से प्ले बटन मिलेगा, वो मेरे लिए एक अच्छा अवार्ड होगा जिससे मुझे और मोटिवेशन आएगा। सो देखो यहाँ पर ममता बैठी है, अभी अभी मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग की मीटिंग खत्म कर ली ऑनलाइन, जो लोगों के लिए मैं एजुकेट कर रहा हूँ फ्री में। अगर आप भी ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते तो मेरे को मैसेज या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा। सो अभी 1 घंटे की लाइव मीटिंग खत्म होने के बाद अभी मुझे जो टाइम मिला है, यहाँ पर आधे देख लो बदमाशी कर रहा है गाँव में आके, इसको बहुत खेलने के लिए मस्ती मिल रही है। चिकू ने देख लो क्या कर रखा है, चिकू दिखाओ क्या किया आपने, ये देख लो चिकू ने, देख लो ये पूरे शो के पेड़ को ये अलग फूल ला कर रखी है, कोई मतलब फूल इसको नहीं आए, उसने कहीं से पता नहीं ढूंढ ढूंढ के ये कारनाम किया है ना। कौन से फूल है बताओ कुछ, लास्ट वाला। ओके सो चलो लेट्स, मैं फ्रंट कैमरा से स्टार्ट करता हूँ। ममता यहाँ पर बैठी है, काफी अच्छी यहाँ पर छाव है हमारी जो गैलरी है सामने वाली उसके अंदर। तो ऐसा कुछ खेत में घर है, बिल्कुल भी खेत में है, कोई सिटी वगैरह नहीं है, गांव का घर है। सो ये कुछ नजारा है सराउंडिंग का, वहां पर मेरी लाल परी धूल खाती हुई पड़ी है, अभी तक मैंने उसको देखा भी नहीं है, चलती है भी नहीं चल रही है, स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है, उसको अभी टाइम ही नहीं मिला मुझे। बट मैं पहले रिकॉर्ड करता हूँ पूरा वीडियो, आपको दिखाता हूँ हर एक चीज, और फिर जो है बाकी चीजें बाकी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। सो ममता चलो इनको घर दिखाते हैं अपना, पहले तो अंदर से शुरू करें। चलो ठीक है, मोटा मोटा घर अंदर से दिखा दो, वैसे अंदर से क्या दिखाना, मेन तो सराउंडिंग है, बगीचा है। आजा, तो ये है एंट्रेंस मेरे घर का, ये मेरा हॉल, यहाँ पर सेटिंग वगैरह है बैठने की जगह, ठीक है, वो एक मैंने चेयर बाहर ले रखी थी मीटिंग के लिए। ये मेरा फ्रंट शो वाला जो मेरा हॉल का है, और यहाँ से अंदर जाएंगे तो ये हमारा जो है यहाँ पर जो है कॉमन बाथरूम वगैरह है, यहाँ पर फ्रिज वगैरह यहाँ रखे हैं हमने, ये हमारी बेडरूम है, मेरी रूम है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कुछ गांव का ज़्यादा शो नहीं है, लेकिन ठीक है गांव के हिसाब से अच्छा खासा घर है हमारा, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो हवा है, यहाँ की जो झाड़ियाँ हैं, मैं हमने जो पौधे लगाए वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। ये वाला रहा मेरा बाथरूम, और ये वाला है टॉयलेट, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन एरिया है, ये हमारे भगवान की रूम है जहाँ पर मम्मी जी पूजा अर्चना करती रहती है भगवान की, तो यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा सेटअप भगवान का है, और ये हमारे सेकंड बेडरूम भी कहलाती है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं किचन में, किचन का आपको दिखाते हैं, फिर मैं ले चलूंगा मेन है जो हमारा है वो गार्डन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ये हमारा ऐसा कुछ किचन है, छोटा है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन बेस्ट है, गांव के हिसाब से काफी अच्छा किचन है, ठीक है। तो सब कुछ बढ़िया है, मम्मी पापा के लिए ये यहाँ पर हमने कर रखा है, वहाँ हमारे भाई भी और हम भी बहुत कम रहते हैं, मम्मी पापा ही रहते हैं। तो ये है हमारी बैक साइड, यहाँ पर देख लो खेत में है बिल्कुल हम, यहाँ पर हमारा पूरा गार्डन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरे पानी की जो व्यवस्था यहाँ की वो दिखाता हूँ, यहाँ पर भी डायरेक्ट पानी आता है जहाँ पर मम्मी जी बर्तन वर्तन धोती रहती है, बट मेन जो सोर्स है हमारा वो ये है पानी का, ये देखो टंकी, ये देख लो ये मेन टंकी है जिससे हमारे हर जगह पानी आता है। ऊपर एक रखी है घर के ऊपर जो घर को अंदर पानी प्रोवाइड करती है, और ये हमारी ट्यूबवेल है, बोरवेल जिसको कहते हैं, वो वहाँ पर लगी हुई है, मैं वो दिखा दूंगा, जिससे हमें पानी सप्लाई हो जाता है। तो चलो फ्रंट दरवाजे से स्टार्ट करेंगे हम एक एक चीज़। अच्छा ये क्या है, ये तो गाँव का जो भैंस होता है, जानवर होता है, गाँव का गोटा है, सॉरी जो गाय का गोटा है, भैंस का गोटा है, जिसके अंदर अभी कोई भी जानवर नहीं है, क्योंकि हो नहीं रहा है पापा को मम्मी को, इसलिए अभी कुछ भी नहीं है, बेच दिया उन्होंने, एक बकरी है बस। ये हमारी लाल परी, ठीक है, पूरी धूल खाती हुई है, अभी मैंने इसकी धूल मिट्टी भी साफ नहीं की है, स्टार्टर भी नहीं लगाया है कि चलेगी भी नहीं चलेगी। यहाँ से टेरेस को ऊपर जाने के लिए रास्ता, तो एक बार मैं टेरेस पे ऊपर ले जाके दिखा दो आपको। तो ऊपर जाने के बाद मेरा पूरा जो व्यू आ जाएगा सारा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस जगह पर हम रह रहे हैं, कैसे देखो पूरे खेत है, ऊपर थोड़ी धूप ज़्यादा है और सराउंडिंग में देखो पूरे खेत है। ये वो टंकी जो घर को सप्लाई देती है, ठीक है, ये सोलर के लिए लगा रखा है, देखते हैं कब लगाएंगे सोलर। और ये देख लो पूरे खेत है साइड से, ये हमारे पूरे पेड़ है, नारियल है, चीकू है, आम है, अभी नीचे जाके दिखाऊंगा आपको हर एक चीज़। तो ऐसा कुछ है ऊपर का व्यू, ऐसा कुछ है सराउंडिंग व्यू, जो खेत वगैरह है
अब चलते हैं नीचे, अभी फ्रूट्स दिखाता हूँ हमारे यहाँ पर। फ्रूट्स जो हमारे गार्डन बगीचे में आए हैं वो क्या क्या है, सब्जियाँ क्या क्या है वो भी दिखाता हूँ फटाफट से। अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर लेना, सपोर्ट कर लेना हमारे चैनल को, ताकि और भी हम अच्छे अच्छे नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहे। हमें मोटिवेशन मिलेगा अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे वीडियो अच्छे आ रहे, लोगों को अच्छे दिख रहे या नहीं दिख रहे। ममता आ जाओ, एक एक चीज़ दिखाते सबको, तुम दिखाना, मैं तो वीडियो में बोलता रहूँगा पता नहीं चलेगा। वहाँ से शुरू करेंगे, वहाँ से ठीक है, यहाँ से घूमते हुए फिर ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक है। फ्रंट कैमरा ऑन करूँगा मैं, आ जाओ। तो ये हमारा घर का एंट्रेंस, जहाँ पर हम ऊपर आते घर के लिए, दिखाता हूँ। ये कुछ कच्चा रोड है, ज़्यादा पक्का नहीं है। ये रोड आती है गांव से, हमारे गांव थोड़ा सा नीचे है, और इस साइड से भी एक रोड आती है, और यहाँ से हमारा एंट्रेंस शुरू हो जाता है ऊपर जाती है घर का, ठीक है। तो ये है कुछ एंट्रेंस, एंट्रेंस में आते ही यहाँ पर देख लो, हमने ये जो है ना, मैंने ये कहीं से लाके लगवाया था 2 साल पहले, और अभी काफ़ी अच्छा आया है। इसको हम कट करते रहते हैं, ये जो साइड का जो इसको शो का लेयर है, शो का पौधे है शो के, ये बिल्कुल अच्छे दिखते हैं, सभी ने लगाने चाहिए, हरियाली बिल्कुल अच्छी दिखती है। सेम इसी साइड में भी वही किया है मैंने, इसको भी अभी कट करेंगे जब टाइम मिलेगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा लुक देता है मेरे घर को, और सबसे बेस्ट है कि नारियल के पेड़, नारियल भी मिलेंगे और छाव भी मिलेगी, और डिज़ाइन डेकोरेशन भी अच्छा आता है। इधर से चलो, ये देखो बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, गांव के बच्चे भी कुछ आए हैं चिकू और आदि के लिए। तो चलो एक एक चीज़ दिखाओ, ये कौन सा नारियल, चलो ये नारियल है, और मम्मी जी ने यहाँ पर देख लो मिर्ची और बैंगन लगा रखी है। ये देखो मिर्ची भी आ रखी है, मतलब घर के ही सामने हमें किचन गार्डन भी मिल जाता है, यानी किचन में जो भी मिर्ची लगती है, बैंगन लगते हैं, भिंडी लगती है, कद्दू लगते हैं, वो भी हमारे को मिल जाते हैं। ये देखो नारियल का पेड़, इसमें देखो नारियल आ रखे, ये देखो ठंडे ठंडे जब गर्मी आ जाएंगे ना, तो नारियल के पेड़ का जो पानी है ना, नारियल का जो पानी है ना, वो ठंडा बहुत कर देता है। देखो काफ़ी अच्छा, कितने और भी आ रहे हैं मधुमक्खी, अभी एरे काट लेगी, चलो चलो चलो। तो मधुमक्खियाँ भी फूल का जूस पीने के लिए आई हैं। यहाँ पर है चीकू का पेड़, चीकू के पेड़ भी काफ़ी है हमारे पास, चीकू भी बड़े बड़े हो रहे हैं, देख लो चीकू भी काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं। और ये देखो ये बदमाश देख लो, ये भी चीकू है, यहाँ पर भी चीकू है, ठीक है। आगे आ जाओ, ये चीकू हो गया। अमरूद का पेड़ देख लो, अमरूद के पेड़ में अभी छोटे छोटे अमरूद लगे हैं, दूसरे भी है उसमें बड़े बड़े लगे हैं। ये अमरूद का पेड़ है, अमरूद भी हम फ्रेश खाएंगे। यहाँ पर एक फूल का है, इसको क्या बोलते हैं आपके इधर, वो देख लेना, लेकिन भगवान के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है ये फूल, मम्मी ने लगाया। कद्दू कहाँ है, ये देखो कद्दू, घर में कद्दू की सब्जी, हम जब ड्यूटी पे थे ना, एक कद्दू कितने का, 80 रुपये का मैं लाता था, वो बड़ा बड़ा कद्दू है। यहाँ एक बहुत बड़ा कद्दू मिला हमें, देखो इतना बड़ा कद्दू, ये देखो ममता, ये देखो, ये तो 200-300 रुपये का होगा यार, हम जो खरीदते हैं छोटा छोटा वो भी 80 रुपये का दे देते हैं। तो ये है कद्दू, भिंडी पे दिखाता हूँ आपको मैं, चप्पल नहीं मेरी, ये है हमारे जो भी वेस्टेज निकलता है जानवरों का गोबर, उसके लिए इसमें खाद बनता है। तो ये है वो खड्डा, ठीक है, गड्ढे के बीच में ही, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, बीन्स या क्या बोलते वो है। भिंडी देख लो, भिंडी देख लो, भिंडी उधर भी है, और ये पडवल आपके इधर क्या बोलते हैं, मतलब सब्जी जो है, सब्जी भी है, फ्रूट्स भी है, तो सारा फ्रेश है। गांव का यही मज़ा है कि तोड़ो और बनाओ, कोई उसमें मिलावट नहीं है, कोई इसमें सूखा या ज़्यादा पुराना सिस्टम नहीं है, सब कुछ सब्जी फ्रेश है। ये भी एक चिकू का पेड़, ये नारियल का पेड़ और एक, इसमें भी छोटे छोटे नारियल लगे हैं, काफ़ी इसमें भी काफ़ी अच्छे नारियल लगे हैं, ठीक है। तो ये है फिर चिकू का पेड़, चिकू में भी चिकू लगे हैं, पपीता भी है, पपीता भी दिखाते आपको। चलो चप्पल पहनी हो, मेरी नहीं है चप्पल, है ना, मेरे को चुभ रहा है। कैसा लग रहा है घर अपना, तो ये लगाए हैं भाई 4-5 साल पहले, तब जाके बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि जब घर बना था ना यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और बाद में हमने इतना सब कुछ लगाया। और नहीं करना, वीडियो बन रहा है। ये आम का पेड़, इसमें आम अभी आया नहीं है, चलो जल्दी जल्दी। ये नारियल अगेन, एक आम एक नारियल एक चीकू, ऐसा आएगा, अल्टरनेटिव आएंगे। यहाँ पर देख लो छोटे छोटे कितने चीकू आ रखे, बहुत सारे चीकू हैं, अभी बड़े भी हो रखे हैं, कुछ बड़े भी हैं, पकने के लिए भी कुछ डाले हैं। ये पानी की टंकी जो आपको बता रहा था मैं, ठीक है, इसमें यहाँ पर डायरेक्ट
ट्यूबवेल का पानी आता है फिर ऊपर चढ़ता है ऊपर वाले टंकी में। ये देख लो कितने बड़े बड़े अमरूद है। हाँ, ये देखो अमरूद देख लो, ये खाने लायक अमरूद है। इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो फ्रेश, बस ऐसा पोंछो, धोने की भी जरूरत नहीं है। मीठा है, मीठा है। तो ये अमरूद का पेड़ है, फिर ये नारियल, नीचे देखना ममता, साफ सुफ भी हो सकते, जंगल है। ये गन्ना है मेरे भाई का, दूसरा जो चाचा का भाई है उसका। और ये भी नारियल है, इसमें भी नारियल में देख लो, नारियल लगे हुए है। तो इसमें भी नारियल आ रखे, देख लो काफी ज्यादा, इसमें भी काफी ज्यादा नारियल है। ठीक है ममता, धीरे से धीरे से धीरे से। ये देख लो, ये इस साइड से बैक साइड है घर की। और क्या चीकू, इसमें तो कितने सारे चीकू आ रखे देख लो, सारे छोटे ना, बड़े भी दिखा दो, आ जाओ। ये कुछ शो के पेड़ पीछे की साइड में भी हैं। और देख लो यार, हमें पपीते मिलते नहीं थे खाने के लिए, और यहाँ सड़ रहे। ये देख लो पपीते सड़ रहे यार, 50-50-60 रुपए का इतना पपीता मिलता है जब हम घर से बाहर रहते हैं। तो ये वाला इस साइड का एरिया है, ये वाली जो मैं बता रहा था गार्डन जो है, ये वाला जो लेयर है ना, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। इसमें कटिंग करने के बाद चारों तरफ से सराउंडिंग में लगा रखा है। ये इसमें ग्रीन नारियल है, ये पानी वाला होगा, पीने वाला ग्रीन नारियल। ए इसको तोड़ो मत, इससे तो नहीं होता। चलो ठीक है, ये दो नारियल है। यहाँ पर हमारी गांव की बिल्ली बैठी है, बिल्ला बैठा, पैंथर पैंथर। ये देखो पैंथर, ये पैंथर है। ये कड़ी पत्ता का पेड़, कड़ी पत्ता मिलता नहीं है कहीं कड़ी बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, लेकिन गांव में देख लो फ्रेश मिल रहा है। ये है रामफल, सीताफल जैसा ही होता है। ये रामफल भी आ रखे है, ये भी बड़े मस्त लगते पकने के बाद। ये अगेन चीकू, चीकू है, मोटे मोटे भी है, ये देख लो मोटा चीकू है, हो रहे। और ये देख लो पपीता का पेड़, इसके तो पपीते इतने बन रहे, पिछली बार में आए थे हम खा खा के थक गए थे, और इस बार भी ये अभी भी है। देखो ये है पपीता का पेड़। और अगेन हम कंटिन्यू आगे चलते तो क्या क्या पेड़ मिलेंगे मुझे पता नहीं। ये आम का है, नए नए पेड़ में नई नई चीज़ें आई है। ये नींबू है, घर में कभी भी गर्मी लगी नींबू शरबत पीना है तो नींबू में भी नींबू, इस बार पता नहीं पिछली बार तो थे, अभी पता नहीं आ रहे नहीं आ रहे, देखते हैं, छोटे छोटे होंगे। तो ये नींबू है, फिर ये आम का पेड़ है, आम भी काफ़ी है, आम काफ़ी आते हैं। ये केला है, देख लो केले भी मिलेंगे खाने के लिए, केले भी मिलेंगे, केले भी आए उधर, देखो केले आए छोटे छोटे, अभी छोटे छोटे केले दिखाता हूँ। ये वाले एकदम रोड किनारे, कोई भी रोड से तोड़ सकता है। ये देख लो छोटे छोटे केले, अभी बड़े होने में टाइम है, नीचे शायद बड़े हो गए होंगे। ये फिर से चीकू, ये फिर से नारियल, नारियल काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा है यहाँ पर, बाकी सारी जगह गर्मी है। क्या है फूल, चीकू के लिए फूल मिल गए। हाँ ठीक है, चीकू को चप्पल लेके देख लो, ये चीकू का पेड़ है, ये आम का पेड़, आम को भी आम आने वाले, फूल आ रहे तो आम भी आ जाएंगे। ये देखो इस बार आम भी आ जाएंगे। ए नींबू है ममता, नींबू है, और नींबू है, नींबू भी आ रहे, देखो नींबू शरबत के लिए नींबू बहुत जरूरी है। इतना बड़ा नींबू है, नींबू है, नींबू तो है, ठीक है रहने दो, आएंगे कच्चे है अभी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर यहाँ पर आम, नारियल, ये आम का पेड़, ये नींबू है ही है, यहाँ पर भी केले, यहाँ पर भी केले हैं, केले आने वाले हैं, केले के लिए थोड़ा सा टाइम लेकर आने वाले। चीकू देखो कितने बड़े बड़े, इधर तो चीकू बड़े बड़े हैं ममता, इसकी भी सब्जी बनती है इस कोक की। यहाँ पर भी केले हैं, नारियल भी है, ये कौन सा है, आंवला का पेड़ है, आंवला का छोटा पेड़ है, अभी मम्मी ने लगाया शायद, पहले नहीं था। काफ़ी पेड़ ख़राब भी हो जाते हैं ना जब तक ठीक से बड़े नहीं होते, तब तक बड़ी केयर करनी पड़ती इन लोगों की। ये एक नींबू है, ये ग्रो ठीक से नहीं कर रही, इसको खाद पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये है आम, ये चीकू अगेन, वहाँ पर केला, वो चीकू, ये सीताफल है। देखो सड़ रहे, तोड़ने के लिए खाने के लिए कोई नहीं था, जब आते हैं ना तब तो हम ड्यूटी पे रहते तो कोई नहीं खाता, ऐसे ही सड़ जाते। ये देख लो, और ये है लास्ट एंड, यहाँ पर भी एक नारियल है, और यहाँ पर एक वेस्टेज पीट है, जो वेस्टेज हम डालते इसमें गड्ढे में, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने ड्रॉपिंग कर रखी पानी के लिए गर्मी में, जो देख लो ये जो लाइन है ना उससे पानी आता है टंकी से ऑटोमेटिकली, ये ड्रॉपिंग। चलो तो अभी चलते हैं घर की तरफ, फिलहाल इतना ही है। सो ऐसा कुछ है, हमारा बगीचा काफ़ी हरा भरा है, गर्मी के दिन में काफ़ी अच्छा लगता है। पेड़ के पौधों के नीचे हम, जो ये आम के पौधे हैं उनके नीचे हम आराम से चटाई डाल के बैठते हैं, काफ़ी ठंडक लगती है। अभी थोड़ा सा घास कुछ ज़्यादा है, सांप भी होते इधर,
एक पिछली बार बड़ा सांप जहरीला सांप मारा था पापा ने, तो उसकी थोड़ी सी डर रहती है क्योंकि गन्ना गुन्ना है ना, तो जहरीले सांप कभी कहा आ जाए। फिर भी मेरे बगीचे में साफ सफाई रखी है पापा ने मम्मी ने, ठीक है, काफी अच्छा है। देख लो चिक्कू इधर आ जाओ, चलो ये एक पेड़ नया लगाया लग रहा है, आम का गया था यहाँ पर एक नया पेड़ लग गया है। और इस टाइप का है कुछ, मतलब जो सीजनेबल फ्रूट्स है वो सारे घर में मिल जाते हैं। सब्जी के लिए भी मम्मी सब्जी उगाती है तो सब्जी भाजी भी यहाँ मिल जाती है, इसलिए गांव अच्छा लगता है। गांव का ये घर, फिर ये इसके सराउंडिंग का जो गार्डन है, फूल है, फ्रूट्स है, वो देख के मन खुश हो जाता है। सिटी में रह के या जहाँ पर भी ड्यूटी करते हैं वहाँ के नज़ारे कुछ टाइम के लिए अच्छे लगते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, बट जब भी गांव आते हैं ऐसा लगता है कि हर बार हम नए घर में आए हैं। तो मेरा देख लो ये सेटअप अभी भी लगा है, यहाँ से मैं लाइव करता हूँ, कितना अच्छा है देख लो सारे पोजीशन। यहाँ पर मेरा लैपटॉप नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वाईफाई डोंगल भी लगा रखा है देख लो घर में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सिंहासन है, पीछे कितना अच्छा व्यू आ रहा है देख लो, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ से मेरा लाइव चलता है, अभी आज फर्स्ट लाइव हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ फॉरेस्टिंग का। सीखना चाहते हो तो जरूर मुझे मैसेज करें, सिखा देंगे आपको भी। तो ऐसे दो छोटे छोटे शोज के पेड़ भी बाहर लगा रखे हैं, ये भी काफ़ी ग्रीनरी दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा हरियाली दे रहे हैं। पीछे कुछ फिर ऐसा आ रहा है व्यू, फिर सामने ऐसा इस टाइप, इस यहाँ पर एक अनार का भी है, अनार समझते ना, लाल अनार। तो ये अनार का भी एक पौधा है छोटा देख लो, इसमें अभी कली आ रखी है। अब इसको टाइम है, दो बार टूटा था पाइपलाइन जब बन रही थी, यहाँ बोरवेल जो मैंने बोला था बोरवेल, जो ये बोरवेल इसके अंदर है, ये इसको खोदते टाइम यहाँ से पाइपलाइन गई थी तब ये टूटा था, ठीक है। वहाँ एक जामुन भी है, जामुन का पेड़ है उसके पास में, वो जो दिख रहा है जस्ट बगल में वो पीछे, वो जामुन का पेड़ है, ठीक है। तो ऐसे स्कूल में ला के सारे पेड़ पौधे जो है ऐसा कुछ फ्रंट व्यू है हमारा घर का जो आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा फ्रंट व्यू भी है। तो ऐसा है कुछ हमारा घर गांव का, सिंपल है बट गार्डन और यहाँ की जो हरियाली है ना बहुत इसको अट्रैक्टिव बना देती है, मनमोहक बना देती है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है। और ये सारे पेड़ पौधे 5 साल पहले मैंने खुद ने लगाए थे, खुद ने इसको प्लांटेड किया था, जिसे भी खड्डी डलवा के और खरीद के फिर मैंने खुद ही ये डाले थे, 5 साल पहले की बात है। और आज देखो कितना, यहाँ कुछ भी नहीं था, ऐसा सूखा था, बिल्कुल ऐसा सूखा था, ये जो जमीन दिख रही ना ऐसा सूखा एरिया था। फिर मेरा पहला घर बना, उसके बाद ये गार्डन का प्लान किया, लगभग 80 पेड़ के आसपास ये पेड़ लगे, फिर ये 100 पेड़ हमने लगाए, मम्मी ने भी अच्छा साथ दिया क्योंकि मम्मी को अच्छा लगता है फूल पेड़ पौधे, और पापा ने भी बड़ी मेहनत की जब जाके ये बना, और हमारे भैया जी भी मेरे साथ रहते तो उन्होंने भी हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया भैया ने। तो ये सब कुछ मिलके एक घर तैयार हुआ, और इन फ्यूचर प्लानिंग है कि ऊपर भी एक सेम फ्लोर बनाने की, तो देखते हो कब पॉसिबल होगा। सेम जो नीचे का एक है वो सेम इधर से आउटस्टेयर रखी है, वहाँ से एक ऊपर भी बनेगा, तो लेट्स सी कब बनेगा, आपको टाइमली मिलता रहेगा अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको कैसा सब कुछ लगता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।